कश्ती का साहिल बना दिया, बेचैनियां समेट के सारे जहान की, जब कुछ न बन सका तो मेरा दिल बना दिया। ओ साथी स्टार्ट करेंगे। जूरी मेंबर हैं, जूरी मेंबर को करिए इंदर मोहन सर और अंजू श्रेष्ठा जी के लिए। थैंक यू फैंस एंड रॉक द फ्यूचर। ओके सो गाइस, मेरे को बहुत अच्छा लगा आप लोग का यहाँ पे डांस देख के ना, मतलब मेरे को इतना उम्मीद नहीं था कि आप लोग इतना अच्छा करोगे। डेफिनेटली आयुष एक आपका एक ऐसा जरिया बन गया कि उसने आप लोगों को एक प्लेटफॉर्म दे दिया। सो आपका है कि उसको नेक्स्ट ईयर किस तरीके से प्रेजेंट करना है। सो गाइस जो नहीं जीते हैं, जो नहीं विन किए हैं जिन्होंने, सो हाँ आयुष नहीं, आयुष की पूरी टीम लाइक द स्वीटी जी एंड प्रकाश जी एंड चंदन जी, ठीक है। तो सॉरी फॉर दैट कि मैं भूल गया, हाँ ठीक है। तो इन लोगों का बहुत बड़ा मेहनत है कि आप लोगों को इस बड़े से स्टेज पर लेके आए हैं, और इन फ्यूचर ये आप लोगों के लिए बहुत कुछ सोच रहे हैं, और हम लोग बहुत अच्छे से प्लान कर रहे हैं कि आगे से आगे इससे बड़ा क्या करना है यहाँ के लिए, डुमराओं के लिए। एंड वन गुड न्यूज़ अगेन मैं देना चाहता हूँ आपको कि मेरा खुद का भी एक शो आने वाला है, ठीक है। सो गाइज जो विनर हुए हैं जितने भी, और जो जिन्होंने विन नहीं किया, जो पार्टिसिपेट्स थे, वो भी तैयारी में लग जाओ, क्योंकि मेरे जो शो का प्राइस कैश प्राइस मनी होगा वो एक रियलिटी शो के अप्रॉक्स मतलब 10-15 लाख रुपीज़ उसका कैश प्राइस है, और वो बहुत बड़े लेवल पे होएगा, पूरे इंडिया से उसमें पार्टिसिपेट्स आएंगे। और बस मैं यही कहना चाहता हूँ टू रॉक द स्टेज एंड प्रॉपर तरीके से डांस करो, उसको समझो, और संस्कृति मत छोड़ो, अपने पेरेंट्स की इज्जत करना मत छोड़ो, और एजुकेशन तो छोड़ो ही मत, ठीक है। बस लगे रहो डांसर्स, बहुत मज़ा आया। और आयुष एंड उसकी टीम, चंदन जी, स्वीटी जी एंड प्रकाश जी एंड अनुराग जी, सो बहुत इज्जत दिया, बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आगे। सो नेक्स्ट टाइम मैं यही चाहूँगा कि इससे ब्रॉड करें, ठीक है आयुष, और बहुत अच्छे से करेंगे, और मैं बताऊँगा कि क्या करना है अब नेक्स्ट टाइम पे किस तरीके से। इस बार तो अकेले आप लोगों ने हैंडल किया, ठीक है। सो आयुष कुछ बोलो अपने, कैसा लगा आपको इस चीज़, क्या रहा आज का दिन, कैसा कैसी मेहनत करी? क्या है ना कि कल का मौसम मुझे देख के ऐसा लगा कि मेरा प्रोग्राम सक्सेस नहीं हुआ, भगवान की कृपा है कि बारिश नहीं हुई, हमारा प्रोग्राम सक्सेस हुआ, हमारी मेहनत सक्सेस हुई, हमारे टीम ने जो मेहनत की वो आज रंग लाई, और बहुत खुशी हुई हमें। फर्स्ट टाइम ऐसा डुमराओं में हुआ है, और ये सिलसिला जारी रहेगा, मैंने पहले भी बोला था ये सिलसिला हमेशा जारी रहेगा, अब ये रुकने वाला नहीं है। बस हमारे डुमराओं के सभी लोगों से सपोर्ट चाहिए, सभी भी सब हमें सपोर्ट करें, हम आगे बढ़े। ओके थैंक यू। अमन प्लीज कम ऑन द स्टेज। अमन के लिए गुड न्यूज ये है, अमन 2 साल से सीख रहा है, मेरे को बताया, मेरी बात हुई थी अमन से, और आयुष उसको ट्रेन कर रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ कि अमन जो है प्रोफेशनली ट्रेन्ड हो इन माय स्टूडियो, ठीक है। उसके लिए मैं आपको एक स्कॉलरशिप दे रहा हूँ, ठीक है,
वो इस तरीके का है कि इनको हम ट्रेन करना चाहते हैं प्रॉपर तरीके से। अच्छा, तो वो ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। आयुष की भी बहुत ख्वाहिश है कि मेरे पास आके ट्रेंड हो, बट आयुष के थोड़े क्राइटेरियाज में तो निकल नहीं पा रहा है वो, क्योंकि आयुष एक साल पहले से, मैं एक साल हो गया इसको मेरे पास बोलते हुए, सर मेरे को आपके पास आना सीखने के लिए, बट अभी ये कुछ थोड़ा सा इसके प्रॉब्लम्स हैं तो वहाँ से निकल नहीं पा रहा है। बट अमन चाहते हैं, और मैं भी चाहता हूँ कि अमन को देख कर कि मैं इसको अच्छे से प्रिंट करूँ ताकि इन फ्यूचर ये कुछ कर सके। ठीक है अमन, सो कॉन्ग्रेचुलेशन। ठीक है, बाकी बातें मैं आयुष को बता दूँगा कैसे क्या करना है। ठीक है, वन मोर थिंग इज कि हम लोग को सबको सम्मानित किया गया बाय द यूनिक डांस एकेडमी की तरफ से, तो हम लोग भी चाहते हैं कि इतना बड़ा जिन्होंने प्रोग्राम किया, आर्टिस्ट को एक उनका नेम फेम दिला रहे हैं और बढ़ा रहे हैं, तो हमारी तरफ से भी उनके लिए एक प्राइज़ है। सो प्लीज़ ऑल क्रू आ जाइए आप लोग, और एक शील्ड है हमारे पास। सो दिस इज़ अ यूनिक डांस अकेडमी, और बहुत बहुत ज़्यादा धक्के खा जाएंगे बट टैलेंट नहीं देंगे। ठीक है, तो ये लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं। सो आयुष एंड उसकी टीम बहुत बहुत